प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। आज मैं बना रही हूँ खसखस की रेसिपी। इसका हलवा बनाएंगे, तो इसको साफ करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत, इसलिए मैं वक्त को बचाने की खातिर तो इसको पहले ही मैंने इसे साफ कर लिया, धो लिया। तो अब मैं इसको ब्लेंड करेंगे, तो फिर इसके साथ हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह आप लोगों को खुश आबाद रखे। आज मैं बना रही हूँ खसखस का हलवा। सबसे पहले मैंने देसी घी डाला है 2 चम्मच। तो मैंने ये जो खसखस पीसी थी, ब्लेंड की थी उसको, तो अब मैं सबसे पहले इसको डालेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्की आंच पे बन रहा है, ये उस वक्त तक बनता रहेगा जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसके बहुत फायदे हैं बच्चों को, रात को कितनी कितनी देर तक नींद नहीं आती, सर में दर्द होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, आँखों के लिए, जिसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बच्चों को नींद आती है। ये आप गर्म होता जा रहा है, शक्ल देखें कितनी प्यारी होती जा रही है, और कुछ भी देखते हैं बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैं इसमें आधी प्याली सूजी भी डालूंगी, आधी प्याली सूजी डालेंगे इसमें, ताकि ये मज़े का बन जाए और बच्चे बहुत शौक से खाएं। बहुत प्यारा कलर आ रहा है, गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें हम डालेंगे दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 गिलास दूध डालेंगे। बहुत ही फायदेमंद है नज़र के लिए, दिमाग के लिए, नज़ला, जुकाम, खांसी। और 1 चम्मच हम डालेंगे इलायची, माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी। अब हम इसको भूनेंगे, गुड़। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह देखें, ये अब अपना घी छोड़ रहे हैं, बहुत मज़े का बनता है। गुड़ भी डाला है इसमें, देसी घी भी डाला है, सूजी भी डाली है। ये देखिए कैसे घी निकल रहा है अब इसका, ये अपनी जगह से छोड़ता जा रहा है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम और गरी। ये मैंने इसको ना कूट लिया था, जैसे मोटा मोटा कूटते हैं ना, वैसे तो कहते हैं पीस लिया, लेकिन मैंने कूटा है इनको। तो ये मैं अब इसमें डालेंगे, क्योंकि जब साबित डालते हैं ना, बच्चे चुन चुन के निकाल के फेंक देते हैं, खाते ही हैं। इस तरह से ये ज़रा बीच में भी मिक्स हो जाएगा, ऊपर भी डालेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से हलवे के साथ साथ बच्चे ये भी खा लेते हैं, बादाम भी खा लेते हैं, गरी भी खा लेते हैं। साबित डालने से यह होता है कि ये बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, और ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। माशाल्लाह देखें, घी देखें कैसे निकल रहे हैं, देखा है ना। इसे करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह मेरी रेसिपी हो गई।
प्यारी मजे की बनी है। मजे की बनी पड़ी है। तो रोज थोड़ा 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 रोज एक एक चम्मच बच्चों को खिलाएं। बच्चिया जो बच्चे थे बादाम और गरी पीसी हुई उसको हम ऊपर गार्निशिंग करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।